ये ऑरेंज वाली फिश जो है ना, ये हमारी ब्लैक मोर फिश को जो है ना अब मारने लगी है। मैंने इसको दो तीन बार देखा है, ये इनको काटती है, पूरे एक्वेरियम में घुमाती है इधर चारों तरफ। वो देखें फिर गई, वो देखें काटती है ये इनको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठीक हो ना? ठाक होंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह। धूप जो है बाहर आ गई है, ये देखें। अभी जो है ना हम ये वाली चादर ऊपर कर देंगे ताकि धूप यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे बर्ड्स के पास भी पहुँचे, क्योंकि तीन चार दिन हो चुके हैं इनको, अभी तक धूप नहीं लगी है। बारिश का मौसम चल रहा था ना, तो बारिश की वजह से धूप निकल नहीं पा रही थी, लेकिन आज धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी गर्म भी है, तो मतलब इनके लिए आज अच्छा होने वाला है। तो धूप अभी आती है, फटाफट मैं चादर उठा देता हूँ यहाँ की ताकि धूप सीधी इनके पास आ जाए। अभी यहाँ तक पहुँच गई है, थोड़ी देर में ये आगे बढ़ जाएगी। आज सुबह इन्होंने जना बहुत ज्यादा फड्डा करा यार, आप यकीन नहीं करेंगे। और ये क्या लेके भा, ओए इन्होंने फिर अंडा खा लिया आज। यार ये ब्लैक वाली मुर्गी भी जो है ना खराब कर दी इन्होंने यार। ब्लैक वाली मुर्गी अंडे नहीं खाने लगी थी, कुड़क होने लगी थी, ये देखें इसका पूरा मुंह गंदा हो रहा है। इन्होंने फिर अंडा खा लिया, पता नहीं किसने अंडा दिया था, इन्होंने फिर से अंडा खा लिया। शेरू हमारा सही है, शेरू नहीं खाता यार, लेकिन ये तीनों मुर्गियाँ खाती हैं। इन सबको तो जो है ना हटाना ही पड़ेगा यार, मेरा तो बस ही नहीं चल रहा कि मैं इनको किसी तरह हटाऊं। मेरे पास जो है ना टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं इनको सच में इनको लेके जाऊं मार्केट जाके इनको सेल कर दूं। मैं तो ये बोल रहा हूं इनको चेंज करा दूं, इनको सेल करके दूसरी मुर्गियां लेकर आऊं अच्छी वाली जो अंडे ना खाएं। देखिए अभी भी खाने में मसरूफ है, देखो कैसे खा रही अंडे, ऐसे बेशरम है ना यार, अंडे दे के खा जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ फ़ायदा क्या अंडा देने का यार, अंडा ना दे अपने अंदर ही रखें फिर। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, आज इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ, क्या हुआ दाना पानी नहीं है क्या? पानी भी है दाना भी है, फिर क्यों शोर मचा रहे हो उतना, मुझे ये बताओ हैं? इतना शोर मचाया हुआ इन्होंने। अभी देखो मैं बात कर रहा हूँ ना, खामोश होगा। अभी थोड़ी देर में इन्होंने नीचे करना शुरू कर देना। और हमारे लोटिनो ये रहे यार, एक दो भाई कमेंट आए थे, कहते यार लोटिनो ने दिखाया आपने, ये देखें भाई इनको जब भी मैंने शूट करा है ना हमेशा ये स्पाइडरमैन बन के जो है ऐसे चिपके हुए मिलते हैं मेरे को। बस कैमरा बंद कर दे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सेट हो ही जाएंगे हमारे सेटअप पे, जो है ना दिल लग जाएगा फिर इनकी तरह, इतना डरेंगे नहीं, अभी तो थोड़े से घबराते हैं यार। अब इसने अंडा खाया है ना, तो ये अंडा खा के अब खुद अंडा देने के लिए गई है। वैसे अच्छा है इसने सही जगह ढूंढी है, बैठी रहो। नहीं तुमने अंडा देना, बाहर नहीं आना, थोड़ा टाइट ही बंद कर देता हूँ ताकि जो है ना ये अंदर अंडा दे के बाहर आए। अब तुम बाहर नहीं आ सकती, अब तुमने अंडा देना है और कुछ नहीं खाना, मैं नज़र रखूँगा। भाई मेरे को आवाज़ आ रही है यहाँ से, माशाल्लाह कितना बड़ा सरप्राइज, इधर देखो अरे 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 माशाल्लाह भाई, वही बुटेर का बच्चा निकल गया फाइनली यार, बुटेर का बच्चा निकल गया यार, कितनी खुशी हो रही है आप सोच नहीं सकते यार। अरे शुक्र है यार हमारी नज़र पड़ गई यहाँ पे जो है ना, नहीं तो आज भी काम ख़राब हो जाता। कहाँ गया मेरे ख्याल से, फिर जाके अंदर छुप गया यार है, कहाँ गया? ओए नीचे आ गया वही नीचे, कैसे जम मार दी इसने तेरी खैर भाई। ओए मारू नहीं, ओए तेरी, ये तो दूसरी वाली डब इसको मार रही है। ओए ये देखें यार, ये बाहर आ गए माशाल्लाह यार, कितना छोटा है, कितना प्यारा है यार, ये देखें कितना छोटा है। और ये मेरे ख्याल से अभी निकला, इसको थोड़ी देर हुई है, देखें इसकी बैक साइड अभी जो है ना गीली है थोड़ी सी, देखें आप ये अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार, मेरा हाथ कितना बड़ा लग रहा है और ये कितना छोटा है, देखें बिल्कुल सुन्नू सा यार। तुम वहाँ जाके बैठो अपनी माँ के पास, मैं जो है ना कोई बंदोबस्त करता हूँ, और फिर जो है ना यहाँ से जो है ना जितने भी हमारी दूसरी डक जो इसको मार सकती हूँ उन सबको निकालूंगा, सिर्फ इसकी माँ को छोड़ूंगा इसके पास। यार मैं इसको निकाल लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बंदोबस्त करते करते जो है ना काम ख़राब हो जाए, कोई ना कोई इसको मार दे। अभी यार डक ने अटैक करा था इसके ऊपर, इसके सर पर मारा उसने, कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको मार दें। फिर मैं ज़रा इसको कहीं ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे जो है ना इसको ज़्यादा हवा नहीं लगे। इसके बाद कौवे से भी बचाना यार हमने इसको, नहीं तो कौवा लास्ट टाइम की तरह ले जाएगा। बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार, कितना प्यारा, देख रहे यार कितना क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह। अरे तुम रुको मैं तुम्हारे को ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ तुम्हारे को कोई छेड़े ना। मैं कहाँ रखूँ, ये जगह इसके लिए सेफ रहेगी, यहाँ बेबी बनी सो रहे हैं ना, ये इनके साथ ही रहेगा थोड़ी देर। तुम यहाँ रुको, थोड़ी देर रुको यहाँ पे। यार मेरे को तुमको देख देख के हंसी आ रही है और खुशी से मैं पागल हो रहा हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ यार। यहाँ पे रहो, तुम मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। बेबी बनी इसका ख्याल रखना ना, लो ये सारे भी मेरी आवाज़ तुम जोड़ गए। अरे इसका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हम एक काम करते हैं, ये वाली जाली उठा लेते हैं, ये देखें ये हमने सफाई करी थी ना, ये मैंने संभाल के रखी थी।
ये जाली जो है ना आपका भाई लगाएगा। आपके भाई ने पहले ही सोचा हुआ था जो है ना, लास्ट टाइम जब कौवा लेके गया था ना बच्चा, मैंने सोचा हुआ था अगली बार जब भी बच्चा निकलेगा ना, हम जो है ना इसके चारों तरफ जो है ना जाली लगा देंगे बारीक वाली, ताकि बच्चा बाहर नहीं आए और कौवा अंदर जा नहीं पाए, मतलब चोंच डाल के खींच ना ले उसको। इसकी कितनी साइडें कवर करनी पड़ेगी हमें, एक ये वाली साइड कवर करनी पड़ेगी और एक ये वाली, फिर जो है ना बच्चा सेफ रहेगा। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये यहाँ पे लगा दी है जाली, पूरे पूरे मैं इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बटेर का बच्चा तो छोटा है, वो तो नीचे घूमेगा, नीचे नीचे यहाँ यहाँ घूमेगा ना तो कौवा यहीं से निकालता है, यहाँ ऊपर से कौवा कभी भी नहीं निकाल पाएगा उसको। और ये वाली साइड में बोरी ऑलरेडी लगी हुई है, ये वाली साइड में भी बोरी लगी हुई है, यहाँ पर जाली लगाइए और यहाँ पर जाली लगाइए, कम अज़ कम एक पाँच पाँच छः छः इंच की लगा दी। अब बटेर का बच्चा नीचे रिलैक्स होकर घूम सकता है, ना वो बाहर आएगा ना कोई कौवा अंदर जा सकता है। यार आपके भाई ने पूरा काम मिनटों में कर दिया, और हमारी डक्स जो है ना वो मुझे देख के चीखी जा रही है कि यार ये काम कर रहा है, हमें बाहर नहीं निकालना। अरे ज़रूरी काम कर रहा था वो, बच्चे का काम बहुत ज़रूरी है। आओ, अरे यहाँ सामान पड़ा हुआ, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, यहाँ सामान पड़ा हुआ यहाँ पे नहीं। हाँ भाई आगे आगे, सबर सबर सबर, चलो आ जाओ शाबाश शाबाश, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। मैडम और चुन्नू मुन्नू भी यहाँ पर हैं, ये सारे असल में जो है ना मैं काम में अब ऐसा फंसा, आपको पता है रिस्क नहीं लेना चाह रहा था मैं, आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। अब आप लोगों को पता है अगर मैं इनमें लग जाता ना तो पीछे से कौवा वा आके जो ना कोई ना कोई कार्रवाई डाल ही देता, इस वजह से जो है ना मैंने ये काम सबसे पहले करा ताकि हम अपने बटेर के बच्चों को यहाँ पे छोड़ दें और जो है ना हम सुकून में आ जाएं। फाइनली यार मैंने जो है ना उसकी टोकरी भी नीचे करके लगा दी है, अब जो है ना हम इसमें से जो है ना ये एक्स्ट्रा बर्ड जो एक्स्ट्रा डफ्स है हमारी ये निकाल देते हैं ताकि ये बच्चों को परेशान ना करें। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो हैं, कहाँ जाना, तुमने बच्चों को काटा था मैंने देखा है, इसलिए मैंने तुम्हारे को अलग करने का सोचा है। जाओ यहाँ पे रहो। अब इसमें से जो है ना ये वाली फ़ीमेल को भी निकाल लेते हैं। यार ये वाली फ़ीमेल को निकालूँ नहीं निकालूँ समझ नहीं आ रहा यार, ये वाली इसमें दो फीमेल काफ़ी पुरानी है ना, समझ नहीं आ रहा कि निकालूँ नहीं निकालूँ। मैं एक काम करता हूँ बच्चा छोड़ के देखता हूँ इन तीनों में से कौन मार रहा है, अगर जो मारेगा ना उसको हम अलग करते हैं। अरे माशाल्लाह मेरे को इसको देख के हंसी आ रही है, इतना छोटा सा, ओए ओए रैबिट्स, बनीस को अपनी माँ समझ रहा है, उनके नीचे जाके छुप रहा है। हैं हैं अपनी माँ समझ रहे हो, ये लो तुम्हारी माँ यहाँ पर है, इधर जाओ यहाँ पे, ये देखें मैंने बिठा तो दिया उसको, लेकिन ये टिक नहीं रहा यार, सबसे बड़ा मेजर मसला यही है इसका, ये टिकते नहीं है। देखें पता नहीं क्या खाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत डर लग रहा है, और कितना फुर्तीला है भाई, कैसे भाग रहा है। मेरे ख्याल से शायद इसने पानी पीना है, शायद हो सकता है इसने पानी पीना। इधर आओ पानी पीना तुमने, लाओ मैं पिलाऊँ पानी, इधर आओ। पानी भी कैसे पिएगा ये, मुझे तो बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है इसको पकड़ के पिलाने में। लो पानी पियो, पी रहा है, पी तो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लो और पी लो, लो और पी लो, लो ये लो। यार बहुत छोटा जा तुम अपनी माँ के पास जाके बैठो, अब कौवे ओवे की टेंशन दूर हो गई। आखिरी बार जो है ना यहाँ इसके माँ बाप के पास छोड़ देते हैं अपने हाल पे, देखो कैसा उल्टा हो गया, सीधा इससे हुआ नहीं जाता लेकिन भाग ऐसे रहा है। अभी मेरे ख्याल से शायद ये भूखा भूखा हो रहा है ना, इस वजह से इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, देखो अब वहाँ जाके आराम से बैठ गया, लेकिन अभी ये थोड़ी देर के अंदर फिर फलांग के यहाँ पर आ जाएगा। बहुत बेचैन है भाई, इसका नाम जो है ना आपके भाई ने सोच लिया है, इसका नाम मैंने पहले से सोच के रखा था कि हमारा कोई बटेर का बच्चा निकलेगा ना उसका नाम मैं क्या रखूँगा, तो इसका नाम पहले ये केज बंद कर लूँ, पहले ये हो गया बंद, ये देखें वो बैठा हुआ, इसका नाम है पिकाचू। इसका नाम मैंने सोचा था जब कोई भी बटेर का बच्चा हमारा निकलेगा ना उसका नाम मैं रखूँगा पिकाचू, तो ये हमारा पिकाचू है। ये बड़े शरारती हैं, चुलबुले से हैं हमारे पिकाचू, ये अभी मेरे ख्याल से शायद भूखा हो रहा है ना इस वजह से इधर उधर भागने की कर रहा है। अभी हम चलते हैं इसके लिए जीरो की फीड लेकर आते हैं, जो स्टार्टर फीड होती है ना किसी भी बच्चे के लिए जब छोटा सा बच्चा अंडे से निकलता है तो स्टार्टर फीड होती है जीरो की, वो लेकर आते हैं फिर इसको वो देंगे, वो भी पीस के बिल्कुल बारीक करके ताकि ये खा ले। वो फिर बाहर आ गया, पता नहीं कैसा बेचैन आदमी है।
और ब्राउनी ने ये देखो क्या काम करा, गुनिया फॉल्स को इसने बाहर निकाल दिया। ये ऐसी बेचैन है ना, इसको सुकून नहीं मिलता। इसने गुनिया फॉल्स ने सारे कबूतर उड़ा देने, ब्राउनी की बच्ची ये देखो इसने पूरा ये कल्टी कर दिया, गुनिया फॉल्स को आज़ाद कर दिया है। ब्राउनी के लिए ये किसी को नहीं खोल रहा, मैं आज खोल देती हूँ सबको। ये छोड़ो तो सही, सारी गुनिया फॉल्स इसने खोल दी है। अब इन्होंने जो है ना सबको डराना है, या तो इन्होंने पिजन उड़ाने या किसी ना किसी को डरा के इन्होंने भगा देना। आ गया यार वापस, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैं एक बॉक्स भी लेकर आया हूँ, क्योंकि जो है ना हम बटेर के बच्चे को अलग रखने वाले हैं। मैंने पता करा, दाना लेने गया था, हम वो कह रहे थे अलग कर दो तो अच्छा है, तो इसलिए मैं बॉक्स लेकर आ गया। डाल दी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ यहाँ से। बेबी आ रहे हैं यहाँ पे भाई, पिकाचू आ रहा हमारा। पिकाचू कहाँ है हमारा, पिकाचू कहाँ गया भाई, नजर ही नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ ये। आओ दाना वाना दो तुम्हारे को, सुबह से भूखे हो तुम। वो देखो कैसे बाहर आया, आओ पिकाचू। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको हटाऊं, लेकिन यार मजबूरी है, ये चुलबुला आदमी है, इतना छोटा है, इसको ऐसे डर लग रहा है। इसको जो है ना बंद कर देते हैं हम, और पिकाचू हमारा यहाँ पे रहेगा। इतने बड़े बॉक्स में पिकाचू अकेला रहेगा हैं, पिकाचू इतने बड़े बॉक्स में अकेले रहोगे हैं। ये देखें मैंने इसके अंदर चूड़ी डाल दी ना, ये गर्म होती है, इसके अंदर ये खुश रहेगा। बिल्कुल इसको बारीक कर लिया है, और अब इसको मैं ये दे रहा हूँ, पता नहीं ये खाएगा नहीं खाएगा। दादी अम्मा पीछे हो जाओ, शाबाश जाओ, आपके खाने का कुछ भी नहीं है। पिकाचू खाना आया तुम्हारा, खा लो खा लो। ये देखें ऊपर ही देख रहा है कि यार ये मेरे को कब निकालेंगे, ये पता नहीं यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है। ये लो खाना आया तुम्हारा, खाना खाओ। नहीं यार ये तो खा भी नहीं रहा, अभी कुछ चूम भी नहीं रहा। ये खाने लग गया ना तो ये हमारे को थोड़ा सा टेंशन फील हो जाएंगे कि यार ये खा रहा है। कहाँ जाना है तुमने, लो ठीक है जो खाना खा लो, खाना खा लो खा लो। ये देखो दाना आया, दाना दाना खाओ, दाना खाओ दाना खाओ। नहीं इसकी नज़र नहीं पड़ रही, इसको जो है ना बहुत ही केयर की ज़रूरत है। इसको अंदर जाके रखूँगा मैं, फिर इसको जो है ना देखते हैं क्या करना है यार, किस तरह पलेगा ये। वैसे खा लेते हैं, चूज़े जो होते हैं ना, चूज़े या मुर्गी कोई भी जो छोटे चूज़े होते हैं, ये निकलते ही अंडों से जो ना भागते हैं भागते हैं और बोलते हैं बस हमें कुछ चूमने के लिए दो। तो उसकी कोशिश तो जारी है, वो खा ही लेगा। बस आप लोगों को हमारा पिकाचू कैसा लगा ये आपने लाजमी कमेंट में बताना है, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी लाजमी आपने कमेंट में बताना है, और हमारे चैनल हम और परिंदों को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।